गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दसवीं वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे हमारा ये जो व्याकरण में समास चल रहे हैं, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा हम वापस रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी। उसमें कुछ शब्द होंगे, ठीक है, वो शब्द आपको अपने हिसाब से पहले लिखने हैं। ध्यान दीजिएगा, वो शब्द पहले आपको अपने हिसाब से करने हैं, फिर मैं वीडियो में उसका जो आंसरिंग, किस प्रकार से उसका जवाब विग्रह किया जाता है और फिर उसका समास का प्रकार, जैसे मैंने आगे आपको नहीं लिखवाए थे बहुत सारे शब्द, समस्त पद, सामासिक शब्द, ठीक है, उसका विग्रह किया था और कौन से समास का प्रकार था, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको लिखना है। लेकिन उससे पहले बच्चों, हम यहाँ पे थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं। ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये यहाँ पे बहुत ही मतलब छोटा सा उसका हिस्सा है। अगर समास को याद रखना है तो इस टेक्निक से आप याद रखोगे तो बहुत ही वो सरल है, आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस टेक्निक से मैं बता रही हूँ, आप उस टेक्निक से अगर याद रखोगे, ठीक है, उस ढंग से, तो आपको वो सरलता से याद रह जाएगा। जैसे कि समास किसे कहते हैं, तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का मिलकर उनका रूप संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा क्या है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का मिलकर उनका रूप संक्षिप्त, अर्थात इतना समझ लो बच्चों कि दो या दो से अधिक कोई शब्द है, कोई पद है, उनके बीच में जो प्रत्यय विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, अर्थात उसको निकाल देते हैं, उसका छोटा सा हिस्सा संक्षिप्त रूप बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, समास, ठीक है। ये समास की परिभाषा हुई। अब यहाँ पे समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समस्त पद है अर्थात कहलाते हैं। तो समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द, समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समस्त पद, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे कि विद्यालय, ठीक है, तो विग्रह करो विद्या के लिए आलय, तो के लिए क्या है यहाँ पे, विभक्ति, विद्या पूर्व पद, आलय उत्तर पद, विद्या के लिए आलय, ठीक है, के लिए हम जो विभक्ति लगी है पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में, विद्या और आलय के बीच में के विभक्ति है, उसको निकाल देते हैं, ठीक है, के लिए विभक्ति को निकाल देते, तो बचा क्या, विद्या आलय, वापस वही शब्द बन गया, मतलब संक्षिप्त बन गया, समझ में आया, उसको क्या कहते हैं, समस्त पद। जैसे यहाँ पे आपको परीक्षा में जो शब्द दिया जाता है, फिर सूचना लिखते हैं कि जैसे कि निम्नलिखित सामासिक शब्द का विग्रह करके समास का प्रकार पहचानिए, तो जो आपको शब्द दिया जाता है ना, वो शब्द क्या होता है, समस्त पद। अब समझ में आया। अब यहाँ पे याद रखने वाली दूसरी बात, ये जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, पहले ही बोल दूँ, वरना फिर वापस पूछोगे मैडम ये लिखना है कि नहीं लिखना है, तो मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरे समास को हमने कितना विस्तार से देखा, ये समास सीखने का एक बहुत ही आसान और सरल तरीका है, जिससे आप मतलब क्या कि लंबी लंबी उसकी छोटी छोटी, वैसे तो परिभाषाएं बहुत ही छोटी हैं, लेकिन फिर भी समास को याद रखने के लिए ये बहुत काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा, तीसरे में क्या है, समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि समास विग्रह किसे कहते हैं, तो जैसे समस्त पद, विद्यालय, विद्यालय आपको परीक्षा में ये शब्द पूछा है, ठीक है, ये शब्द कैसा है, समस्त पद। उसके बाद हम कहते हैं कि उसका विग्रह करो, तो विद्या के लिए आलय, तो हमने उसका विग्रह किया, मतलब विग्रह करना यानी तोड़ना, तो समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में, यानी कि जो समस्त पद है, विद्यालय हमारा समस्त पद है, उसका विग्रह किया हमने, यानी तोड़ा, विद्या के लिए आलय, ये विग्रह किया, फिर उसमें से के लिए, ठीक है, के लिए हमने वापस निकाल दिया विभक्ति, बचा वापस वही शब्द विद्या और आलय,
तो बिल्कुल उसी प्रकार से जो समस्त पद होता है बच्चों, उसका हम तोड़ते हैं प्रत्यय विभक्ति, जिस प्रकार से हम लगाते हैं दोनों शब्दों के बीच में, पूर्व पद उत्तर पद के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं? समास का विग्रह करना। ठीक है, उसके बाद पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। मैंने बार बार आपको समझाया है विद्यालय शब्द, ये उदाहरण एक का एक ही बता रही हूँ ताकि आपको ये जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो आपकी समझ में आए। विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, विग्रह किया इस शब्द का। ठीक है, तो विद्या क्या है? पूर्व पद है। उत्तर क्या है? आलय क्या है? उत्तर पद है। तो पूर्व पद पहला जो विग्रह करते हैं, पहला जो शब्द होता है वो पूर्व पद होता है और दूसरा जो पद होता है वो उत्तर पद होता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है जबकि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अब यहाँ पे तत्पुरुष समास में हमने यहाँ पे देखा बहुत सारे ऐसे शब्द हमने देखे, तो उसमें पूर्व पद उत्तर पद होते हैं। ठीक है, तो उत्तर पद उसमें मुख्य होता है। ठीक है, जबकि उसके विपरीत अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्ययी भाव में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे अव्ययी कौन सा मैं आपको बताऊं? यथा संभव, यथा शक्ति, है ना, हाथों हाथ, दिनों दिन, प्रतीक्षण, हर रोज, तो ये सारे शब्द जो है भरपेट, ये शब्द अव्ययी भाव समास में आते हैं। याद आया कुछ? मैंने आपको बताया था आपको याद क्या रखना है, यथा, भर, बेनकाब, बकायदा, ये सारे शब्द तो मैंने आपको बताए थे ना, क्या क्या आपको याद रखना है, यथा, फिर बे, उसके बाद भर, उसके बाद एक जैसे जुड़वा जैसे दिखने वाले दोनों शब्द, दिनों दिन, हाथों हाथ, बीचों बीच, है ना, ये शब्द, तो वो अव्ययी, उसमें जो पहला पद होता है वो क्या होता है? पूर्व पद। ठीक है, उसके बाद द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास, माता पिता, रात दिन, हंसना रोना, उठना बैठना, आना जाना, सत्य असत्य, समझ में आया? उसमें दोनों पद मुख्य होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जबकि बहुव्रीही समास में दोनों पद के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान होता है। जबकि बहुव्रीही समास में दोनों पदों का विग्रह, तो मतलब शब्द का समस्त पद का विग्रह करते हैं, पूर्व पद उत्तर पद तो बनता है, लेकिन दोनों पदों को, दोनों पद इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जितना उनसे बनने वाला कोई तीसरा। याद दिलाओ कौन सा शब्द यहाँ पे? दशानन, है ना, दस है, विग्रह करो सबसे पहले, दस है आनंद जिसके व, आनंद यानि मुख, दस है मुख जिसके व, तो यहाँ पे दस पूर्व पद, आनंद यानि मुख उत्तर पद, दोनों पद प्रधान नहीं है। अब सोचना है विग्रह किया तो किसके दस मुख है? रावण। तो इससे कोई तीसरे नए शब्द का जन्म हुआ ना, तो उस प्रकार से यहाँ पे बच्चों हमें ये समास याद रखने हैं। बहुत ही सरल है, उसमें हमें कुछ भी करना नहीं है, एक सीधी सरल टेक्निक से यहाँ पे ये सब हमें समझाया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो उसको याद रखने की मैंने आपको यहाँ पे एक छोटी सी ये जो स्थिति है, टेक्निक जो है वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो यहाँ पे कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास याद रखने की छोटी सी टेक्निक, कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान देखना पड़ता है। कर्मधारय समास में हमें क्या देखना पड़ता है? मैंने आपको बताया था नील गाय, विग्रह करो, नीली है जो गाय, गाय क्या है? विशेषण, उसका रंग कैसा है? नीला, तो गाय की विशेषता दर्शाने वाला शब्द नीला, तो विशेषण विशेष्य, समझ में आया? चंद्रमुख, विग्रह करो इस शब्द का, चंद्र के समान मुख, चंद्र क्या है? उपमेय, है ना, उपमेय उपमान, चंद्रमुख, चंद्रमुख शब्द है, तो उपमेय जिसकी तुलना करनी है वह, उपमान जिसके साथ तुलना करनी है वह, तो मुख क्या है? उपमेय,
मुख की तुलना किसके समान की है? चंद्र, है ना। तो चंद्र क्या है? उपमान। अब समझ में आया? तो बिल्कुल उसी प्रकार से जबकि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्विगु मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे संख्या देखनी है, दो पर है, चार पाई है, है ना, अठन्नी है, उसके बाद त्रिवेणी है, त्रिदेव है, तो ये सारे क्या है यहाँ पे? संख्या। एक से द्विगु यानी एक से बढ़कर। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों, ठीक है। आज के ये वीडियो में हमने यहाँ तक देखा। आपको ये एक बहुत ही छोटी सी टेक्निक है, इतना आप लिख कर रखोगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में पूरा समास फट से बैठ जाएगा और परीक्षा में आपको जो शब्द पूछा जाएगा वो शब्द पहचानने में, विग्रह करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको समास को याद रखने की एक सरल टेक्निक है। तो आज की इस वीडियो में यहाँ तक रुकते हैं। आने वाली वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्याकरण में हमें कितना कितना लेना है, और उसके बाद होमवर्क में जो शब्द है वो मैं आपको यहाँ पे पहले मैं दिखा देती हूँ। होमवर्क में आपको कौन कौन से शब्द देखने है वो भी यहां पे देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप शुरुआत कर लो। यहां पे देखो सबसे पहले है, ये आपका होमवर्क है, देख लीजिए। उसमें आजकल त्रिभंगी, विद्याधन, नीलगाय, पद्मासन, बाकायदा, गुणदोष, सपरिवार, नरसी, तिरंगा, मुख्य अध्यापक, जलमग्न, सत्य असत्य, चंद्रशेखर। उसके साथ दूसरे भी शब्द है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सर्वप्रिया, सर्वप्रिय, गुरुदक्षिणा, देश विदेश, महात्मा, कमलनयन, दशानन, त्रिलोचन, चतुर्भुज, त्रिवेणी। बच्चों ये शब्द जो है मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, आपको लिखने हैं। आने वाले वीडियो में व्याकरण में कौन कौन से प्रकार है, कितना कितना व्याकरण हमें लेना है, परीक्षा में पूछा जाएगा, वो मैं बता देती हूँ आपको। और ये होमवर्क जो है वो हम कर लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।